नमस्कार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में हम पेश करते हैं नेताओं को स्पोर्ट्स स्टार्स को फिल्म स्टार्स को लेकिन आज आपकी अदालत में हम पेश करेंगे फैशन डिजाइन की दुनिया के एक मशहूर हस्ती को आजकल फैशन का जमाना है इसलिए कंट्रोवर्सीज़ हैं इल्जाम हैं सवालात हैं पेश है आज का मुकदमा अदालत में आज इल्जाम और सवाल का सिलसिला शुरू करें मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज कल्याण की इजाजत चाहेंगे कार्रवाई कार्रवाई शुरू शुरू करने के लिए अदालत की की जाए और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे ऋतु बेरी पर एक नजर डालेंगे उनके करियर पर ऋतु बेरी को आप आज के जमाने की सबसे पॉपुलर फैशन डिजाइनर कह सकते हैं ऋतु बेरी को आज की फैशन की दुनिया में सबसे कंट्रोवर्शियल डिजाइनर भी कह सकते हैं रितु बेरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के पहले बैच की ग्रेजुएट हैं। लंडन की रीजेंट स्ट्रीट से लेकर वर्ल्ड की फैशन कैपिटल पेरिस तक रितु बेरी ने अपनी छोड़ी है। I'm chasing yet किसी और इंडियन फैशन डिजाइनर ने इतनी वर्ल्ड कैपिटल में शोज नहीं किए जितने रितु बेरी ने किए रितु बेरी हमेशा खबरों में रहती है कभी अपने बयानों से तो कभी दूसरे फैशन डिजाइनर्स की वजह ऐसी आजकल ऋतु बेरी चर्चा में है अपनी एक लाख रुपए की किताब को लॉन्च करने की वजह से आपकी अदालत में रितु बेरी अपनी पैरवी खुद करेंगी तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम ऋतु बेरी पर आपकी अदालत में फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी पर इल्जाम है कि ये मनमानी करती हैं ऋतु बेरी ये बात सही है कि जिस फैमिली में आप पली बढ़ी बचपन आपका गुजरा बहुत डिसिप्लिन परिवार था आर्मी के जैसा डिसिप्लिन था वहाँ पर बिल्कुल और अभी भी है लेकिन उस फैमिली में अगर कोई अपनी मनमानी करता रहा किसने डिसिप्लिन तोड़ा तो रितु बेरी ने तोड़ा आपको कैसे पता <laughs> <laughs> ये सच है कि नहीं सॉर्ट uh, ऑफ sort of. मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स चाहते थे आप डॉक्टर बने uh, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे जिस जिनको मैं देख के uh, बड़ी हुई एंड ही वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी तो मैं चाहती थी कि मैं uh, डॉक्टर बन के अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं लेकिन जिस दिन आप मेडिकल एंट्रेंस का टेस्ट देने गई मुझे पता चला कि जो एंट्रेंस का पर्चा था आपने बिना कुछ लिखे ब्लैंक वापस दे दिया <laughs> आपको कैसे पता <laughs> ही इज़ spy। <laughs> <laughs> जी ये सच है क्योंकि आ, जो भी कुछ मैं करती हूँ मैं अपने पूरे दिल से करती हूँ और जब मैं डॉक्टर बनने का ख्वाहिश रखती थी अपने दिल में तो मैं बहुत पढ़ती थी उस टाइम और आ, मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी प्रिपेयर कर रही थी लेकिन एक डॉक्टर आया था मेरी ग्रैंड मदर को देखने हमारे घर करीबन दो दिन पहले एग्ज़ाम से और uh, वो पूछ रहा था यू नो टेक्निकल थिंग्स अबाउट द ब्लड अबाउट डिड यू यू नो हैव द राइट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन और मैं सोच रही थी कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे तो नहीं जी सकती एंड आई एम वेरी स्यर ऑफ ब्लड एनी वे सो आई थिंक डैट्स वन बिट लेट इन द डे मेरे को समझ आए कि डॉक्टर बन के क्या क्या करना पड़ेगा तो मेरे में हिम्मत नहीं थी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि मैं एग्ज़ाम पे नहीं जाऊंगी तो मैं एग्ज़ाम पे जाके I just left the papers blank. That was the only way I would. आप uh, <laughs> आपने ये सोचा कि लोगों का बॉडी काटने के बजाय उनकी नसें काटने के बजाय उनके कपड़े काटे जाए <laughs> <laughs> I, I think so. Yeah. कैसे पहुंच गई आप फैशन की दुनिया में फिर मैं uh, I was very confused क्योंकि उस टाइम फैशन डिजाइन का कोई uh, Uh, नाम नहीं था एंड आई वॉज सिटिंग एट दि ओबरॉय होटल हैविंग लंच जब मैंने दो लेडीज़ को सुना कहते हुए कि एफ आई टी न्यूयॉर्क इज़ ओपनिंग अ स्कूल इन इंडिया ऑफ फैशन डिजाइन एंड द थिंग दैट एक्चुअली क्लिक्ड वर्स दैट दे व ओनली गोइंग टू टेक ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स फ्राम द होल कंट्री एंड आई था दैट वॉज अमेजिंग चैलेंज एंड मैंने कहा मेरे को होना ही है इस ट्वेंटी फाइव में सो आई वेंट आई डेंट नो वॉट इट मेंट आई डेंट नो वॉट फैशन डिजाइनिंग मैंट आई जो क्लियर दैट एग्जाम अब आपको पता है फैशन डिजाइनिंग क्या होती है <laughs> <laughs> थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं I'm just figuring it out. लेकिन ये सच है कि फैशन डिजाइनर डिजाइन का कोर्स पास किया ग्रेजुएशन किया और कुछ ही महीने के अंदर आपने अपना लेवल सेटअप कर दिया बहुत जल्दी थी आपको मेरे को यही प्रॉब्लम है मेरे को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और मेरे को हमेशा जल्दी होती है सो दैट्स वेन आई पास आई ट्राई टू डू समिफरेंट एक्सपोर्टर्स एंड आई लाइक टू डू वट आई लाइक टू डू एंड आई वॉज अलाउड टू डू मेरी मन मानी एंड आई कंड डू यू नो दलोज एर आई वॉन्टेड मैं उनको बेच नहीं सकी जैसे मैं चाहती थी तो मैंने कहा कि मेरे को एक अपना ही लिटिल स्टोर चाहिए जहाँ मैं अपने कपड़े बेचूँ मनमानी करने का अधिकार चाहिए बिल्कुल और मैंने ये भी सुना कि पहला फ़ैशन शो किया आपने अपनी मनमानी से दिल्ली का जो लोधी गार्डन है उसमें आपने वो शो किया जब uh, मेरे में हिम्मत आई कि मैं अपने कपड़े लोगों को दिखा सकती हूँ एंड फ़ैशन शो कर सकती हूँ तो uh, उस उस समय सारे डिज़ाइनर्स बैंकुट हॉल्स में शो करते थे और हमेशा यू नो दे टू बी टू डिज़ाइनर्स डूइंग इट और थ्री डिज़ाइनर्स डूइंग शोज टुगेदर आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम रवि बजाज एंड सुनीत वर्मा यूज़ टू डू शोज़ टुगेदर एंड इट वॉज ऑलवेज़ जॉइंट शोज़ तो मैंने कहा मेरे को अपना ही करना है और मुझे बैंकुट हॉल से बाहर निकालना है तो एक दिन मैं वॉक पर गई थी लोधी गार्डनज एंड आई डिसाइडेड मेरे को यहीं पर शो करना है क्योंकि ये मोन्यूमेंट इतना ग्रैंड है और मेरे को टू एड टू इट आई डिसाइडेड दैट मेरे को बैक ग्राउंड म्यूज़िक नहीं चाहिए मेरे को चाहिए उस्ताद जाकििर हुसैन पंडित हरी प्रसाद चौरासिया शिव कुमार शंकर साहब सो आई सेड आई वांट देम टू प्ले लाइव इन द मॉन्यूमेंट ऑफ लोधी गार्डन्स एंड आई वांट टू डू वॉन्ट कलेक्शन फॉर देम सो दैट्स व्हाट आई वर्कड ऑन लेकिन जो लोग लोधी गार्डन में घूमने जाते थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऋतु uh, बेरी ने पूरे लोधी गार्डन की सेंटिटी को ख़राब कर दिया oh, सिर्फ उन्होंने नहीं प्रेस ने उन्होंने लोगों ने क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ सो देर आफ्टर माई हैड एंड द होल फोकस शिफ्ट टू लोधी गार्डन्स Um, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आके मोन्यूमेंट्स में शो किए हैं आउट ऑफ इंडिया सो आई 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 अ अ बिट अपसेट अबाउट दैट बट बट जस्ट डिसाइडेड चेंज द वेन्यू स्टिल वुड लव टू डू शो इन लोधी अब तो जमाना बदल गया हमने देखा जॉर्ज बुश ने भी मॉन्यूमेंट के सामने आकर अपनी आखिरी स्पीच दी दी बस अगर हम जॉर्ज बुश होते तो हम भी फैशन शो कर लेते लोधी गार्डन्स में तो ये इल्ज़ाम तो कम से कम साबित होता है कि मनमानी करती हैं जिद्दी हैं स्टबन हैं और आप इससे अलग हटने वाली सुधरने वाली भी नहीं है नहीं जिस दिन आ, मैं सुधरूंगी तो आई अ डिजाइनर और आपकी अदालत में आज कटघर में मौजूद है जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी आपकी अदालत में अगला इल्जाम रितु बेरी पर आपकी अदालत में फैशन डिजाइनर रितु बेरी पर आरोप है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी पर ध्यान देती हैं। तुबेरी ये बात सही है कि इंडिया के किसी और फैशन डिज़ाइनर ने दुनिया की वर्ल्ड कैपिटल्स हैं उसमें इतने शोज नहीं किए जितने आपने किए हैं uh, मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने uh, दूसरे डिज़ाइनर्स का हिसाब नहीं रखा कि वो क्या कर रहे हैं और कितने शोज़ किए हैं लेकिन मैंने बहुत शोज़ किए और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है लेकिन मैंने आपका पूरा हिसाब रखा है <laughs> जितनी पब्लिसिटी आपने ली है ऐसे शोज़ करके किसी और डिजाइनर ने नहीं ली वेल आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रेस फॉर हैविंग टेकन माई वर्क टू द पब्लिक कुछ लोगों ने अच्छा कहा कुछ लोगों ने बुरा कहा पर वो वैन यू आर इन यू नो वेन योर इन अ प्लेटफॉर्म एक्सपोज टू द वर्ल्ड तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे लेकिन uh, मैंने uh, प्रेस के हाथ पकड़ के उनसे लिखवाया तो नहीं अपने बारे में दे रिटन वॉट दे बिलीव

एक तो मैं आई एम वेरी आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू थैंक माई सो कॉल्ड राइवल डिजाइनर्स बिकॉज आई स्टिल डोंट नो दैम वन आई मीट दैम वो मेरे को बहुत प्यार से मिलते हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होके मिलते हैं लेकिन जो भी हैं अगर वो सोचते हैं कि मैं um, एक तो उन्होंने देव मेड मी फील लाइक अ बॉलीवुड स्टार एंड देव गिवन मी सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑल द टाइम दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैम बट पंद्रह साल लुक्स पे तो नहीं uh, आप यू नो यू कॉन्ट कैरी ऑन वर्किंग बेस्ड ऑन योर लुक्स फॉर फिफ्टीन ईयर्स बड़े बड़े बहुत खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेसेस भी पंद्रह साल नहीं अपने गुजार सकते uh, उनका तो ये कहना है कि रितु बेरी को फिल्मों में एक्टर होना चाहिए <laughs> था बजाय डिजाइनर होने के मे बी आई क्रॉस दैट टाइम बट समाइम इवन आई थिंक इट वुड बी फन टू प्ले डिफरेंट रोल्स बट अगर इतना आसान है तो उनको प्लास्टिक सर्जरी कर लेनी चाहिए दे शुड लुक लाइक मी एंड बी सक्सेसफुल इल्ज़ाम ये है कि आपको फैशन डिजाइनिंग तो कुछ नहीं आता अगर जो भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके राइवल्स का बार बार ये कहना है कि रितु बेरी पुशी है अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करती है नेटवर्किंग का इस्तेमाल करती है और इससे पब्लिसिटी मिलती है इससे नाम होता है कितना आसान होगा कि कोई पीआर आर एजेंट या पीआर एजेंसी खोल के नेटवर्क और कनेक्शन से पब्लिसिटी ले सके बट I don't think that's true because I think we have an intelligent audience, we have intelligent people who can understand that uh, connections, PR. I'm very fortunate, ki, I'm, I'm blessed with great friends who are very famous, who are like you, very <laughs> well connected, very powerful people. Uh, but this is my kismet, I just know them. And uh, I don't think you can make friends and force people to be your friends. आई डोंट थिंक आई यूज माई रिलेशनशिप्स फॉर बिज़नेस एंड बिज़नेस फॉर रिलेश ये सच नहीं है कि आपने कई तरह के के टी होम्स निकल किडमेन इनके डिज़ाइन कपड़े डिज़ाइन किए और सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी मिले इससे अखबारों में नाम छपे uh, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने इनके कपड़े किए बिकॉज ये आर ब्यूटिफुल वर्ल्ड सेलेब्रिटीज़ लेकिन uh, जब मैंने के टी होम्स के कपड़े किए तो किसी को पता भी नहीं था आई डेंट लेट द प्रेस नो बट दे फाउंड आउट और आई डेंट रियली टॉक अबाउट इट टू द प्रेस बट आई थिंक इफ आई स्नीज देट प्रॉब्ली हैज़ निमोनिया सो एवरी वन हैज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट एंड लुक एट यू आपको सब पता है मेरे बारे में सो आई डोंट थिंक आई डिड इट विद पब्लिसिटी इन माइंड जो इंडियन फिल्म स्टार्स हैं इनसे काफ़ी दोस्ती है आपकी रेखा से मैंने सुना बहुत दोस्ती है माधुरी दीक्षित के कपड़े आपने डिज़ाइन किए हैं जी ये सही है और इन सब का फायदा होता है पेज थ्री में तस्वीरें छपाने में वेल <laughs> well, uh, uh, I लव एंड शी was there एट my वेडिंग नाउ वेडिंग में मेरे को कोई पब्लिसिटी की इतनी uh, कोई ज़रूरत नहीं थी और माधुरी दीक्षित इज वेरी फेमस जो भी वो करती हैं वो पेपर में लिखा जाता है और आई uh, डिजाइंड really ये भी सच है कि रितु बेरी बहुत फेमस है जो कुछ करती है वो प्रेस में छपता है जी ये, ये मैंने भी सुना है <laughs> और इसके लिए कभी कभी स्टंट करती हैं आप जैसे जैसे आप अपनी बुक रिलीज किया आपने एक लाख रुपये की किताब ये स्टंट नहीं है um,

दैट दिस बुक वुड गेट मी द फोकस वुड बी ऑन एनी वे दिस बुक हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम टू बुट टुगेदर करीबन तीन चार साल से मैं इस बुक पर काम कर रही हूँ इस बुक uh, में बहुत कुछ है जो बहुत स्पेशल है उसकी प्रिंटिंग बहुत स्पेशल है उसकी uh, प्रजेंटेशन बहुत स्पेशल है और सिर्फ हंड्रेड कापीज़ हैं और uh, मैं चाहती हूँ कि हंड्रेड कापीज़ आप जैसे मेरे वेल विशर्स फ्रेंड्स और um, खरीद के देन आई वॉन्ट टू हैव अ रीप्रिंट ऑफ अलॉट मोर कॉपी अफोर्डेबल एंड गिवेन अवे टू दैस आप पहली दोस्त होंगी जो अपने दोस्तों की जेब काटना चाहती <laughs> <laughs> नहीं पहली तो नहीं हूँ लेकिन आई डोंट थिंक माई फ्रेंड्स विल थिंक आप अगर मैं आपको बुक दूँ तो आप सोचेंगे कि मैं आपकी जेब काट रही हूँ <laughs> <laughs> एक लाख रुपए की किताब कोई क्या पढ़ेगा उसमें <laughs> <laughs> Well, uh, uh, you can't really say that why is it 1 lakh. Uh, when I calculated the cost of the book and what all went into it. Well, my, uh, my accountant said the book has to be priced at a lakh for, it, for you to cover the cost of the book. But also along with that, I've, um, I've decided to give the profits of whatever the book makes.

आप ये बता सकती हैं कि क्या है ऐसा इस किताब में जिसकी इतनी ज़्यादा कीमत रखी जाए अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी अभी तो कोई मेरी किताब खरीदेगा नहीं <laughs> <So, laughs> तो आज इस शो में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को प्रॉमिस करें कि आप मेरी एक किताब खरीदेंगे <laughs> और फिर आप एक और शो में बताएंगे कि क्या है इस किताब में <laughs> ये बताइए कि इस किताब का नाम अपने फायर फ्लाई क्यों रखा है फायर फ्लाई इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इट्स अबाउट अ परवाना जो गेट्स अट्रैक्टेड टू द फ्लेम एंड द फ्लेम इज़ द कॉज ऑफ इट्स डेथ सो आई काइंड आई बिलीव दैट ऑलवेज अट्रैक्टेड टू चैलेंजेस एनी थिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल एनी थिंग दैट लुक्स टफ आई लाइक टू गो फॉर इट आप परवाना है और जाकर जलना आपको बस अब वो तो जो लिखा है वो पूरा करेंगे अपनी किताब लॉन्च करने के लिए आपने अक्षय कुमार को चुना जी एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़ी मेरी किताब में बहुत फोटोग्राफ जब आप खरीदेंगे कल मेरी किताब आप देखेंगे कि मेरी किताब में बहुत पिक्चर्स भी हैं एंड माय चॉइस ऑफ अक्षय वाज नॉट दैट ही वुड रीड माय बुक ही आप देखेंगे यू मस्ट है हार्ट एंड अक्षय हैज अ वेरी बिग हार्ट एंड आई वॉन्टेड हिम टू रिलीज माई बुक बिकॉज ही सच अ गुड फ्रेंड देखा आपकी जो लॉन्च का जो डिजाइन था उसमें भी जो इन्विटेशन कार्ड था वो भी हार्ट के जैसा सब कुछ हार्ट है और खरीदने वाले का भी हार्ट होना चाहिए <laughs> <laughs> आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी पर आपकी अदालत में अगला एग्जाम रितु बेरी आपकी अदालत में फैशन डिजाइनर रितु बेरी पर इल्जाम है कि ये हर किसी से लड़ती है अब देखिए इतनी देर से मैं देख रहा हूं कि आप यहां भी लड़ाई कर रहे हैं अगर यहां पे मैं लड़ाई ना करूं आप तो मुझे खत्म करके भेजेंगे सच्चाई ये है कि जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं सबके सब आपके खिलाफ है रितु बेरी एक तरफ और बाकी फैशन डिजाइनर्स एक तरफ नहीं मेरा नहीं ख्याल ये सही है क्योंकि आ, सब मेरे दोस्त हैं सब मेरे को मिलते हैं सब मेरे को अपने इवेंट्स पे इनवाइट करते हैं जब मैं मिलती हूँ तो मेरे को बहुत प्यार से मिलते हैं मेरे को हक करते हैं मेरे को किस करते हैं आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू लेकिन आपके पीठ की पीछे से सब कहते हैं कि कुछ इसमें टैलेंट नहीं है पता नहीं कैसे सक्सेसफुल हो गई <laughs> वो शायद सही कहते हैं मैं भी अब मैं क्या कह सकती हूँ ये तो उनका कहना है विल हैव टू आस्क देम बट ऑबली दे आर सो टैलेंटेड दम सेल्व आई जस्ट डोंट मैच अपू दे टैलेंट उनका ये भी कहना है कि रितु बेरी का अपना कोई स्टाइल नहीं है एक तरुण तेहलनी का एक स्टाइल है कोई रितु कुमार का एक स्टाइल है लेकिन कोई रितु बेरी के कपड़े पहने नजर आए ऐसा उनको नहीं लगता नहीं वो सही कहते हैं क्योंकि उनका स्टाइल इतना स्ट्रॉन्ग और इतना खूबसूरत है कि मेरा स्टाइल बिल्कुल उब्लिवियस हो जाता है किसी को दिखता ही नहीं है बट uh, मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है आई रियली डोंट नो कि मेरे को क्या करना चाहिए आई वुड लाइक अ ब्रीफिंग फ्राम दीज डिज़ाइनर्स वे नवर दे हैव द टाइम टू हेल्प मी डू बेटर एंड बट आई जस्ट रिक्वेस्ट दम नेवर टू स्टॉप रनिंग मी डाउन और मेरे बारे में जो बुरा कहते हैं वो कहते रहें क्योंकि उससे मेरे को हिम्मत मिलती है कि मैं कुछ सही कर रही हूँ लेकिन आपके बारे में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वो ये है कि रितू बेरी के डिज़ाइन किए हुए कपड़े वो खुद पहनती हैं कोई और पहने हुए नज़र नहीं आता वेल well, उनको नेक्स्ट uh, टाइम जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगी तो मैं उनको जो पहले एक तो पहले मुझे पता होना चाहिए कौन कहता है ताकि मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकूं मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं और जो मेरे कपड़े पहनते हैं तो मैं आई मेक अप पॉइंट गो टू अ पार्टी एंड से दिस लेडी इज़ वेयरिंग माई क्लोथ एंड शी विल इंडोर्स इट बट uh, पंद्रह साल में बिना किसी के अपने कपड़े पहन के यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती। किस ना किसी न किसी वजह से सारे लोग बाकी फैशन डिजाइनर्स आपसे नाराज़ रहते हैं मैं सुनती हूँ जैसे आप कह रहे हैं लेकिन मेरे मेरे सामने तो कोई नाराज नहीं होता और अगर वो नाराज़ रहते हैं तो मैं कुछ तो ठीक कर रही हूँ कि मैं उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल uh, या अनहैप्पी कर रही हूँ लेकिन द इंटेंशन इज टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू नॉट टू अपसेट दम आई सॉफ दे अपसेट लेकिन सिर्फ यहाँ की बात नहीं है जब आप पेरिस गई थी बहुत शोर मचा था पेरिस में हाउस ऑफ शेरर से आप एसोसिएट हुई और फिर वहाँ से भी छुट्टी हुई वहाँ से भी लड़के आप वापस <laughs> आ गया वो शेरर इज़ अ वेरी बिग फैशन हाउस एंड uh, मैं लड़ी नहीं लेकिन मैंने uh, वही किया जो मेरा मन कहा आई थिंक जो पहला uh, इल्ज़ाम आपने मेरे पे लगाया स्टबन आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई एग्री हैपन्ड बिकॉज आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद शर्र जहाँ पे मेरे को uh, कुछ चीज़ें थी जो मैं करती जैसे दो साल दो बार साल में फ़ैशन शोज़ होते मैं इंडिया एवरी मंथ आ सकती थी uh, मेरा एक बहुत बड़ा टीम था Um, or there was a particular way and a particular style that we were following uh, to design clothes. Uh, we did very well the first year and a half, and the owners decided to sell the house. her time, in paris that fashion houses, big management, management, designers change so it was a big compliment that we managed, not me, but the owners managed to sell the company. to a very टू अ वेरी बिग कंपनी फॉर अलॉरम्बानी they दे के मिन देव वेरी बिजनेस लाइक and उन्होंने सोचा कि अब हम uh, दो fashion shows नहीं करेंगे सिर्फ कपड़े बनाएंगे और uh, राख में बेचेंगे रितु बैरी को इंडिया ऊपर नीचे नहीं भेज सकते क्योंकि बहुत expensive होता है uh, कपड़े हम पुरा ओल्ड uh, women के लिए बनाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं खरीदने के लिए तो द नेचुरल थिंग वुड be कि ठीक है मैं uh, पेरिस में uh, इतनी प्रिस्टिजियस हाउस में काम कर रही हूँ तो इनको करने दो जो करना है मेरा काम तो चलता रहेगा बट आई नीड टू कम बैक टू इंडिया एवरी मंथ आई नीड टू बी होम आई नीड टू डिज़ाइन फॉर द वुमन दैट आई सी आई वॉन्ट टू डिज़ाइन फॉर आई वॉन्ट टू हैव फैशन शोज आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट पुट क्लोज अप इन इन अ शॉप सो आई टोल्ड दम दैट आई एम सॉरी बट आई डोंट वॉन्ट टू वर्क अंडर दीज सर्कमस्टांसिस सो आई थिंक आई वॉज पैशनेट अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग एंड आई वॉज डूइंग वॉट आई वॉन्ट टू डू ये भी सही है कि जो नया झगड़ा आपने शुरू किया है दो फैशन वीक होने वाले हैं एक लैकमे का फैशन वीक है और एक एफ uh, का फैशन वीक है आपने कहा कि मैं एफ के फैशन वीक में हिस्सा नहीं लूँगी मैं इतनी लड़ाकी नहीं हूँ <laughs> और मैंने कोई लड़ाई नहीं शुरू की एफ डी सी आई इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड आई रिस्पेक्ट देम एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ प्रमोटिंग फैशन

Have you tried ever promoting Indian traditional sari in an international fashion scene? Absolutely. In fact, uh, my first fashion show that I did in uh, Paris or anywhere uh, is always very, very Indian and very, very traditional. And I really believe that our Indian sari is the most beautiful garment in the world. Not just in India, but a woman doesn't look nicer than in a sari. So I've tried very hard. And I'm only a little speck in the whole fashion world, and I will continue trying hard. I'm glad.: Thank, Thank you. Thank you. <laughs> ke hai. Kabhi, kabhi. But lots of women wanted to look uh, like queens, and you know how queens dress up. You have to have the weight of the fashion that you wear. general <laughs> perception? कि जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स होते हैं दे आर ओनली फॉर द अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी ठीक है नॉट इवन फॉर द अपर मिडिल क्लास आम आदमी की बात दूर छोड़ दीजिए तो क्या यह परसेप्शन सही है और अगर हाँ तो क्यों जब फैशन uh, डिज़ाइन पहले शुरू हुआ था तो ये परसेप्शन सही था क्योंकि uh, बहुत कुछ डिज़ाइनर्स जैसे फैशन शोज़ दिखाते हैं और uh, चीज़ें करते हैं इट्स बेसिकली टू अट्रैक्ट योर अटेंशन अगर हम नॉर्मल प्लेन शर्ट्स और पैंट्स में लोगों को मॉडल्स को कैटवॉक uh, uh, पे भेजते तो कोई देखता भी नहीं और कहता ये तो द इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट सो द फर्स्ट स्टेप वॉज टू एक्चुअली गेट द फैशन मूवमेंट कि लोग देखें और बोलें अरे ये तो ये क्या है ये तो बहुत यूनिक है और आई एग्री दैट लॉर ऑफ स्टाफ इज़ नॉट अफोर्डेबल बट अगर आप मेरे स्टोर पे आएंगे आप देखेंगे कि काफ़ी एक सेक्शन है जो आप सब कुछ ना कुछ जरूर uh, ले सके एंड यू बी एबल टू वेयर समथिंग मैं देख रहा हूं आप हर वक्त कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करें <laughs> पहले कि <के, laughs> पहले किताब आप कपड़े <laughs> कोशिश यही तो बिजनेस है यही तो <laughs> <laughs> क्या करें आई एम एक्चुअली इनवाइटिंग देम ओवर बट आई गेस आपकी अदालत में आज इल्जाम और सवाल के घेरे में है जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी आपकी अदालत में अगला इल्जाम रितु बेरी आपकी अदालत में फैशन डिजाइनर रितु बेरी पर आरोप है कि ये जानबूझकर बूझ कर क्रिएट करती हैं। रितु बेरी ये बात सही है कि जितने लोग आपको कपड़ों की वजह से नहीं जानते उससे ज़्यादा लोग आपको कंट्रोवर्सीज की वजह से जानते हैं कंट्रोवर्सीज आर क्रिएटेड बाई पीपल एंड आई थिंक दोज पीपल नीड टू से व्हाई दे क्रिएट अ कंट्रोवर्सी अबाउट मी एंड आई डोंट थिंक आई एम एज कॉन्ट्रोवर्शियल एज यू नो एट अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस इफ यू दैट सेट सो कंट्रोवर्शियल स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स विल बिलीव दैट एंड पिक इट अप और ऐसा ही हुआ है लेकिन आप अकेली ऐसी फैशन डिजाइनर हैं जिसके बारे में अखबारों में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कभी ना कभी छपती रहती है आप कौन से फैशन वीक में जाएंगी कौन से में नहीं जाएंगी आप कब लंदन जाएंगी कब पेरिस जाएंगी आई एम डूइंग वट आई वॉन्ट टू डू पीपल आर सिटिंग ऑन जजमेंट पीपल आर वेटिंग टू क्रिटिसाइज पीपल आर वेटिंग टू सी वॉट शी इज डूइंग इज दैट गुड और बैड पीपल आर सिटिंग टू क्रिएट अ एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नजी एंड आई रियली क्रिएट दिस लिटिल कोकून अराउंड माई सेल्फ तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ और अपने काम पर ध्यान रखती हूँ लेकिन ये तो लोग का कहना है लेकिन ये सही नहीं कि आप अपने फादर के साथ भी हॉलीडे पर जाएँ तो उसको लेकर कुछ ना कुछ अखबारों में लिखा जाता अब ये देखिए ना दिस इज़ वॉट आई कॉल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएटेड फॉर नो रीज़न But uh, I guess that's true, that if I'm with my father, people say, she's gone for a holiday with an older man, which is, I mean, that explains it itself. I any fashion designer Ritu I don't know Well, I, uh, I guess uh, I'm not looking for appreciation from my uh, fraternity they do great work and they do what they want to do. and uh, i can help them fix things too. they just have to come to me <laughs> if <laughs> it's that easy. but uh, i don't really know. you copycat copycat. in fact, i find it very strange when designers go to court for their uh, designs being copied. because it happens all over the world. लुई विटों के बैग्स चाइना जाइए आप हॉन्ग जाइए सब जगह बिकते हैं यू कॉन्ट यू नो फाइट ओवर योर कॉपिंग एंड मेरे लिए तो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट वेन आई सी समी वेयरिंग माई आउटफिट किसी ने तो सोचा कि ये अच्छा है कॉपी करके बनाया आई थिंक कॉपिंग इज ऑलवेज अज कॉम्प्लीमेंट आपका एक इंटरव्यू मेरे पास में है जिसने आपने कहा कि इंडियन डिजाइनर्स के सारे लहंगे अगर एक लाइन में टांग दी जाए उनके लेबल हटा दिए जाए

Jahan, Karl Lagerfeld, H&M, Morgan, Zara, or Gucci. pants It's very difficult to say what is what. So the answer is to do something that's completely unique, that is completely your style and different, which is what I like to do. और आप कहती हैं कि बाकी फैशन डिजाइनर ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ मैं ही नहीं, हूं। नहीं, 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 मैं ये कभी नहीं कहती मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरे से यू नेवर हियर कि रितु बेरी ने ये उनके लिए बुरा कहा सो आई थिंक एवरी वन शुड दे बिलीव इन दिस इज़ माई बिलीव ये भी कहते हैं कि रितु बेरी का नाम बहुत बड़ा है फैशन शोज भी बहुत सारे होते हैं लेकिन पैसा नहीं कमाती रितु बेरी ये सही बात है मैं बिल्कुल <laughs> पैसा नहीं कमाती इसीलिए आपने ऐसी किताब निकाली कि पैसा पूरा हो जाए कोशिश जारी है पर लेकिन आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनका काम सिर्फ उस वक्त होता है जब किसी की शादी होती है <laughs> हमारे यहाँ लोग सिर्फ वेडिंग के मौके पर जाते हैं डिज़ाइनर के पास में <laughs> नहीं आजकल आई मीन द वेडिंग वेडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एनी ब्राइड शी वॉन्ट्स टू लुक गुड शी वॉन्ट्स टू ड्रेस वेल बट आई थिंक दिवाली पे भी लोग ड्रेस करते हैं और फैशन डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं एंड टच व पीपल कम टू माई स्टॉप फॉर अदर रीजन टू अदर टाइम्स इज़र लेकिन ज़्यादा तो जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनकी अगर uh, काम देखें तो वो सिर्फ शादियों तक सीमित रहता है मेरी बहुत uh, एक इल्ज़ाम आप मेरे पे लगा सकती हूँ कि लगा सकते हैं कि uh, मैं दूसरे डिज़ाइनर्स को देखती नहीं हूँ और सोचती भी नहीं हूँ कि वो क्या कर रहे हैं सो आई कान आंसर क्वेश्चन फॉर देम लेकिन वो सब ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रही हैं आई एम सो ऑनर्ड आने वाले दिनों में बेरी को किस रूप में लोग देखेंगे बस इसी रूप में आई एम नॉट गोइंग इन फॉर प्लास्टिक सर्जरी आई आई एम एम वेरी हैप्पी द वे आई एम आई एम वेरी हैप्पी विद द वे आई लुक आई एम वेरी हैप्पी नॉट मेकिंग मनी एंड डूइंग व्हाट आई बिलीव दैट्स माय पैशन आपकी अदालत में हमने जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी पर इल्जाम लगाए उनको लेकर खड़ी हुई कंट्रोवर्सीज़ के बारे में हमने उनसे पूछा उनकी एक लाख रुपए की किताब के बारे में हमने पूछा कैसे रितु बेरी मनमानी करती हैं? अब वक्त है आज की कार्रवाई पर जनता के जज कल्याणकार के फैसले का इल्जाम तो काफी थे पर रितु बेरी काफी साफ साफ बात की है विद ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर उन्होंने अपना पोजीशन काफी अच्छी तरह समझा दिया ये अदालत रितु बेरी को बाइज बरी करती है थैंक यू सो मच। आपकी अदालत में आज जनता ने इजाजत दी है कि रितु बेरी मनमानी करते रहें पब्लिसिटी करते रहें दुनिया में नाम करते रहें आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ तब तक के लिए नमस्कार